कराची स्टडीज को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम फूडीज, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। और आज हम लोग मौजूद हैं एक ऐसी जगह पे जहां आपको हम दिखाएंगे 20 रुपए का बर्गर, जो कि इन्होंने स्टार्ट करा था 57 साल पहले। 4 आने का बर्गर और 4 आने का ये जो बन जो ये बेच रहे हैं, पाव जिसको कहा जाता है, तो ये अब इसकी कीमत हो गई है 57 साल बाद 20 रुपए। ये अभी तक 20 रुपए का बेच रहे हैं। तो आए इनकी मेकिंग वगैरह दिखाते हैं, इनका प्रोसेस आपको दिखाते हैं और इनसे थोड़ी सी बातचीत करते हैं और रिव्यू भी आपको देते हैं। तो आज दिखाते हैं 20 रुपए में मिल क्या रहा है और क्या क्वालिटी है। आ जाए तो भैया, ये बना रहे हैं दाल के कबाब हैं ये, और उस साइड में जो रखे हुए हैं वो हैं आलू के कबाब, और ये प्याज और चटनी वगैरह सारी चीजें देते हैं सिर्फ 20 रुपए में। अच्छा ये बताओ, सबसे पहले आपका नाम क्या है? ताहिर नाम है मेरा। ताहिर जी, लेकिन चोटिया मशहूर है जानू के नाम से मशहूर है। जानू के नाम से भाई, जानू बर्गर है जानू। अच्छा इस ठिए को कितना टाइम हो गया? 57 साल हो गए मिनिमम। मिनिमम 57 साल हो गए। अच्छा तो पहले कौन लगाते थे? पहले वाली साहब होते थे। वाली साहब होते थे। मैंने सुना है कि आपने चारने से स्टार्ट करा थे, सही बात है? 8 आने का बन गया अब तो, 4 आने की रोटी 4 आने का कबाब। अब कितने का हो गया? अब 20 रुपए का, 10 की रोटी 10 का कबाब। महंगाई की वजह से, महंगाई की वजह से ज्यादा हो गई है। अच्छा कबाब किस चीज के बना रहे हो आप? आलू के और दाल के। अच्छा दाल में क्या क्या मिलाते हो आप? दाल में मसाले होते हैं घर के बने हुए, दाल होती है चने की दाल होती है। गोश्त वगैरह नहीं? नहीं गोश्त वगैरह नहीं, सिर्फ दाल का कबाब। दाल का। और वो जो चटनी आप लाल कलर की, ये वो हरी मिर्चें, साबुत कढ़ाई, धनिया पुदीना सब, जीरा लहसुन सब वगैरह डाल दें। उसका टेस्ट। दिन में कितने बर्गर बिक जाते हैं? दिन में 400-500 निकल जाते हैं। 400-500 दिन में? टाइमिंग क्या है? 4 बजे आते हो, 11 बजे तक टाइमिंग है मेरी। 4 बजे आते हो, रात 11 बजे चले जाते हो। अच्छा एड्रेस बताओ क्या है? ये शू मार्केट है, माई चॉइस वाली गली मशहूर है। माई चॉइस वाली गली। ये अंडे घोटाला आप बना रहे हो, ये क्या चीज है, ये कैसे बनता है और इसका मेकिंग वगैरह क्या है? इजी है, कबाब होते हैं, अंडे होते हैं, मसाले वगैरह होते हैं। अच्छा इसकी क्या प्राइस है? इसका 70 से स्टार्ट है, 70-80-90-100 जैसा। अच्छा अच्छा ये दाल के कबाब जो है ये आप हमें बना के दिखाओ और टेस्ट करवा रहे हो आप? ये खाए बिल्कुल। बीस रुपए का बन कबाब है, आप देख रहे हो ये दाल वाले हैं, वो आलू वाले हैं और उसके साथ पाव दिया जा रहा है। तो खा के इसका रिव्यू देते हैं आपको। यार बेहतरीन बर्गर है वाकई में इनका, और सस्ता भी है और अच्छा भी बर्गर है। और यकीन करो कि 10 रुपए में कबाब, 10 रुपए में बन मिल रहा है, और क्या चाहिए आपको? एक बर्गर आपको दूसरी जगह जाओगे, इसमें जायका भी है। सबसे बड़ी इनकी खासियत ये है कि इनकी चटनी बड़ी ज़बरदस्त है यार, चटनी बड़ी VIP है। और दूसरी चीज़ इनका कबाब तलने का अंदाज़ और कबाब बनाने का अंदाज़ बड़ा ज़बरदस्त है, और हम यकीनन यहीं के ही खाते हैं और लजीज है। आप लोगों भी आके यहाँ खाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। कराची पुलिस को सब्सक्राइब करें। कराची पुलिस को सब्सक्राइब करें। ये बर्गर जेठिया 1974 का है, और 4 आने की डबल रोटी, 4 आने का कबाब। जानू भाई मेरे बड़े भाई थे, जानू भाई वो लगाते थे, 200 पतरे बेचते थे उस ज़माने में। 5 रुपये रोज पे मैं दिहाड़ी पे काम करता था, 5 रुपये रोज पर उसके पास, समझे ना। अब वक्त के साथ साथ बदलते बदलते कहाँ से कहाँ आ गया। उस टाइम दाल 20 रुपये किलो थी, आलू 8 आने किलो आलू थे, 4 आने किलो प्याज थी। अब तो खुदा हाफिज़ है इस मुल्क का और यहाँ के लोगों का भी।
लेकिन लोगों से भी एक दरख्वास्त है कि अपनी नीयत को अच्छा करें, दूसरे की जेबों पर नज़र ना रखें, समझे ना। हाँ मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ, पैसे के पीछे कम भागो, कब्र के पीछे ज़्यादा भागो, क्योंकि कब्र मुँह खोल के बैठी हुई है, कभी अंदर ले लेगी, समझे ना। हर इंसान पैसा पैसा पैसा, एक पूरी कायनत एक रुपये की भी नहीं है अगर देखा जाए तो, अपन की कोई वैल्यू नहीं है किसी भी किस्म की, चाहे इतना हो चाहे आला हो। लोगों को मेरी दावत है सबको कि अपने ईमान की हिफाजत करें, जो ईमान की हिफाजत करेगा वही बादशाह है, बाकी कुछ नहीं। यार बस ये तो पुराने बुजुर्गों की दुआएं है, बड़ों की दुआएं ये बाप दादों की, ये तो ये ठीक है। आप उधर जाओ, हमारे अब्बा के ठीक है, 75 साल हो गए पाकिस्तान में जब से, वो और कितने का है, ये तो 8 आने का 2 आने का है, 1 आने का कबाब 1 आने की रोटी 1965 पीछे चले जाओ। उस टाइम में मैं 10 साल गया था अपने अब्बा के, इतना बड़ा अंगीठी में पंगा, हाँ इतना इतना कितनी उम्र है इसकी, पंगीठी में पंगा चलता था मैं, 1 आने की चाय, चाय में पाओ दूध, सारे निज़ाम सस्ता था, अब जैसे लोग हैं वैसे निज़ाम है। अब बताओ और आगे मैं क्या कह सकता हूँ। हाँ नहीं, कराची जब तक नियत इंसान अच्छी नहीं करेगा कुछ नहीं होगा। नहीं बोलूँगा, सब बोलना सच बात, कभी मत डरो चाहे कुछ भी हो जाए। अब हम जो सबसे जितने भी मुसलमान भाई हैं शैतान के जाल से बचे ही हैं, वरना शैतान घेर रहा है। अब हंसने की बात नहीं है, सही बोल रहा हूँ मैं, शैतान का जोर बढ़ता जा रहा है। अच्छा हाँ सुनो, अभी जो मैं काम करता हूँ, मैं मुकद्दस वराक का काम करता हूँ इस वक्त दौलत कुरान में, और मेरी तनख्वाह देखिए क्या है, 1000 रुपये महीना। उस हज़ार वो 1000 रुपये मुझसे खाए नहीं जाते, अब अंदाजा लगा लो। मैं अब बस चाय पीता हूँ बस, और अपने पोता पोती पे खर्च करता हूँ। भाई सबसे बड़ी बात है पाकिस्तान जिंदाबाद, ये अपना घर है, जो इंसान अपने घर का ख्याल नहीं करेगा उसका अगाड़ा भी पिछेगा, पिछाड़ा पिछाड़ा भी, दोनों लाल हो जाएगी लाल। हाँ बस मेरी बात, बहुत खरा आदमी हूँ मैं बिल्कुल। हाँ अच्छा भाई मेरे पास आ गया, ये दाल आलू, ये आलू वाला कबाब है बन कबाब, और ये है दाल वाला बन कबाब। तो आप इसको अपने हिसाब से भी कस्टमाइज करवा सकते हो और अपने हिसाब से इसको बनवा सकते हो, अंडा घोटाला या कुछ भी बनवाना चाहो यहाँ पे बनवा सकते हो। अब इसका टेस्ट करके मैं आपको बताता हूँ कि कैसा है। भाई ये जो चटनी है ना, ये इनकी होममेड चटनी है, और ये केचप भी इनका होममेड ही लग रहा है मुझे तो। दाल वाले का टेस्ट तो आउट क्लास है। अब बारी है आलू वाले की। आलू वाला वैसे बच्चे भी खा सकते हैं आसानी से, थोड़ा सा स्पाइसी था दाल वाला। जनाब पाकिस्तान में कराची में ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बहुत जगह मिल रही हैं, और बहुत कदीम ज़माने से वो इस चीज़ को रन कर रहे हैं, तो आप लोगों को चाहिए इनको आप मज़ीद सपोर्ट करें, क्योंकि हम लोगों के स्टैंडर्ड ऊपर हो गए हैं, तो हम इन लोगों को अब सपोर्ट नहीं करते हैं। तो आप लोग आए इनको सपोर्ट करें। ये इलाका है शू मार्केट का, माय चॉइस वाली गली के अंदर आप आएंगे तो थोड़ा सा आगे आएंगे आप, यहाँ पे आपको एक स्टेट एजेंसी मिलेगी आमिर स्टेट, ये आमिर स्टेट के बिल्कुल बाहर खड़े हुए, तो आपने यहाँ आना ज़रूर है, और ये 20 रुपये का मज़ेदार बर्गर आपने ज़रूर ट्राई करना है। तो कराची फूडीज़ को सब्सक्राइब करें, ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर शेयर करें, और हमें सपोर्ट करते रहें इसी तरह। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।